और ये देखिए सबसे खतरनाक झूला। ये झूले में चढ़ने से पहले यहाँ पे सूचना लिखा हुआ है कैसे खेलना भी है गेम को। ये 6 बॉल है, एक एक करके छोड़ना है, बॉल का टोटल में जो नंबर आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे सामने में एक छोटा वाला रोलर कोस्टर है, ये है। एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप लोग, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। तो दोस्तों पिछले ब्लॉग में मैं आप लोग को गंज पारा का दुर्गा पंडाल दिखाया। तो दोस्तों अभी मैं फिर हाल आ गया हूँ सेक्टर 10 का दुर्गा पंडाल, और यहाँ सेक्टर 10 में भी काफ़ी अच्छा दुर्गा पंडाल बना है। दुर्गा पंडाल के साथ साथ यहाँ पर मेला भी लगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार से यहाँ का माहौल है और किस प्रकार से पंडाल बना हुआ है। तो दोस्तों मैं सेक्टर 10 पंडाल में एंट्री कर चुका हूँ और आप लोग को दिखा दूँ कि ये रहा सेक्टर 10 का दुर्गा पंडाल और इधर सामने में लगा हुआ है मेला। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ का मैं मेला दिखाता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ दुर्गा पंडाल में मेला लगा हुआ है सेक्टर 10 में। तो मेले में इधर दोनों तरफ स्टॉल लगा हुआ है, इधर आपको फैंसी सामान वगैरह और श्रृंगार से रिलेटेड है वो सब चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो देख सकते हैं दिवाली को लेकर यहाँ पे रंगोली आर्ट का सारा सामान है, और इधर जूता चप्पल की दुकान है, इधर श्रृंगार का सामान है, इधर बच्चों के खिलौने का शॉप है, और यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट का भी शॉप है। देख सकते हैं आपको इस प्रकार से आपको यहाँ लकड़ी की सारी चीज़ मिल जाएगी, और इधर भी फैंसी का सामान लगा हुआ है, लॉकेट वगैरह माला वगैरह। तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से मेले में सारा सामान देखने को मिलेगा। दोस्तों अभी ठंड का भी सीज़न आ रहा है तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पे दुकान लगा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे स्वेटर की भी दुकानें लग चुकी हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, रिंग बराबर बैठने पर इनाम दिया जाएगा। ये रिंग वाला गेम है, आपको यहाँ पे रिंग खरीदना पड़ेगा 10 रुपये, और 20 रुपये में आपको 5 या 6 रिंग दिया जाएगा, और आप रिंग को फेंकेंगे तो जिस नंबर पे फंसेगा वो वाला सामान आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे शूटिंग वाला है, बलून को शूट करना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे गेम वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ आते हैं तो गेम भी खेल सकते हैं। कैसे खेलना भी है गेम को? ये 6 बॉल है, एक एक करके छोड़ना है। ओके, 6 बॉल का टोटल में जो नंबर आएगा वो नंबर का ही नाम है। अच्छा, 6 बॉल में पूरे नंबर में डालना है, फिर सभी नंबर को प्लस करोगे। प्लस में जो नंबर आता है वो नंबर का ही नाम है। अच्छा, वो जो इनाम पीछे लगा हुआ है वो आएगा। ठीक है, GRV द एक्सप्लोरर। ओके, तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग को यहाँ गेम देखने को मिल जाएगा। आप गेम खेल सकते हैं इधर, और इधर ये वाले लाइन में पूरा खाने पीने का स्टॉल लगा हुआ है, और इधर बॉल वाला गेम है देख सकते हैं, और इधर भी खाने पीने की स्टॉल लगी हुई है। और चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या स्टॉल लगा हुआ है। इधर वाले रूम में भी कपड़ा दुकान लगा हुआ है, ये स्वेटर वगैरह, और इधर आप लोग को दिखाया खाने पीने की स्टॉल लगी हुई है, और इधर श्रृंगार का सामान मिलेगा, ये फैंसी स्टॉल है, और इधर कॉफ़ी शॉप है, और यहाँ पे क्या है देखते हैं, यहाँ पे टैटू स्टूडियो है, और यहाँ पे पूजा से रिलेटेड सामान भी मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं इधर अगरबत्ती है, इधर धूप है, इधर दिए का सामान है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे सामान देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा माता दुर्गा का पंडाल, और इधर इसी के सामने आपको दिखाया कि किस प्रकार से स्टॉल लगा हुआ है, और इधर आगे मेला लगा हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग को मैं इधर का मेला दिखाता हूँ, उसके बाद पंडाल के अंदर चल के माता रानी के दर्शन करेंगे। तो यहाँ पे सामने में ही बच्चों का झूला है, देख सकते हैं किस प्रकार से इसमें हेलीकॉप्टर बना हुआ है, और ये बच्चे लोगों के लिए। और इधर आगे चलते हैं, इधर भी बच्चे लोग का झूला लगा हुआ है, बच्चे लोग इसमें अभी तो झूल रहे हैं फिलहाल। और इधर सामने भी एक बच्चों का झूला लगा हुआ है जिस पे कार बना हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे सामने में एक छोटा वाला रोलर कोस्टर है, ये एडल्ट के लिए है। और ये देखिए भाई साहब सबसे खतरनाक झूला। ये झूले में चढ़ने से पहले यहाँ पे सूचना लिखा हुआ है, आप लोग झूले में चढ़ने से पहले ये सूचना पढ़ लें। और आपको यहाँ का झूला दिखाता हूँ, ये झूला कैसे चलता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ब्रेक डांस है अभी जो फिलहाल स्टार्ट हुआ नहीं है। इसी के सामने जस्ट टिकट काउंटर है, यहाँ पे टिकट लेके आप एंट्री कर सकते हैं। हवाई झूला देख लीजिए, जो हवाई झूला अभी फिलहाल चल रहा है,
काफ़ी लोग इसको भी इंजॉय करते हैं और काफ़ी मज़ा भी आता है। एक दो बार मैं भी चढ़ा हूँ। दोस्तों यहाँ सेक्टर 10 पंडाल में जो मेला लगा है उसको अभी आप लोग को दिखाया कि किस प्रकार से यहाँ पे मेले में झूला लगा है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए। तो अब सीधा चलते हैं अपन दुर्गा पंडाल में और दर्शन करते हैं माता दुर्गा के। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पंडाल में माता रानी के दर्शन के लिए कितना भीड़ लगा हुआ है। यहाँ पे लाइन लगाना पड़ रहा है अभी फिलहाल। और यहाँ पंडाल कितना खूबसूरत है। तो सबसे पहले माता रानी के दर्शन करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ का पंडाल का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे पंडाल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेकोरेट किया गया और बहुत अच्छी लाइटिंग की गई है पंडाल के अंदर। काफ़ी अच्छा लग रहा है पंडाल और यहाँ पे माता रानी के दर्शन के लिए लाइन लगाना पड़ रहा है। बाकी काफ़ी अच्छा है यहाँ की मूर्ति और यहाँ का पंडाल। तो दोस्तों सेक्टर 10 का दुर्गा पंडाल और दुर्गा पंडाल के सामने लगा हुआ मेला झूला आपको कैसा लगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको इसी तरीके के नए वीडियो के साथ।